जाते रहो उसके द्वार तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक जाते रहें, हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक जाएंगे, तो वो भी एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा। भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी? हाथ उठाओ जरा, टीवी पर, घर पर, जहाँ भी सुनी हो, सुनी है। उसमें छठे दिन रुक्मणी जी के ब्याह की कथा आती है। रुक्मणी जी के ब्याह में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश के पास भेजा। बोलो सही है? अरे बोलते जाओ, ठीक है। कहीं गड़बड़ बोले तो बोल देना खड़े होके, महाराज गड़बड़ है। ठीक है, तुम्हारा और हमारा तो रिश्ता घर का, परिवार का, उसमें तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो कि अपन कुछ बोलेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा। कई टेंशन नहीं अपने को, तुम तो बढ़िया मस्त। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए, पत्र को भगवान को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ने के बाद रुक्मणी जी से कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जाना, जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। सही है? बोलो तो ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से यह क्यों नहीं कहा कि तो तैयार होके छत पे खड़ी हो जाना? गोरा जी के मंदिर क्यों भेजा, जगदम्बा के मंदिर क्यों भेजा? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अम्बा क्या है? श्रद्धा। तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा, ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की दो चीजें बड़ी प्रबल है। जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। सपने में भी वही दिखता है भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है काल रात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है, और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है। कोई कितना भी समझाए, समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता है, बेकार नजर आता है। कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद,
मम्मी तुम्हारी ये बात फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कई माताएं बैठी है, आप में से कई भाई बैठे हैं, आप में से कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं जो शंकर भगवान से इतनी लगन लगा ली कि रात में नींद में भी स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। कई लोगों को स्वप्न में भी भगवान आते हैं, ऐसा लग रहा है नंदी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार पर भी शंकर का चित्र दिख रहा है, किताब में शंकर जी का चित्र दिख रहा है, कहीं पर पेड़ देखा तो बेलपत्री नजर आ जाती है, भले वो बेलपत्री का पेड़ नहीं है पर बेलपत्री नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने से कोई शंकर दिख रहा है, बादलों को देखोगे तो शिव नजर आएगा, किसी को देखोगे तो शंकर नजर आएगा, चेहरे पर ओम नजर आएगा, बैंगन काटोगे तो ओम दिखेगा, रोटी उठाओगे तो ओम दिखेगा, ये शिव है, ये शंकर है। समझ लो दिल लग गया, प्रेम हो गया शिव से। और अब क्या, ये तो हो गया रात की बात, अब दिन की बात। अगर कोई समझाए तुमको क्या करोगी, क्या रोज रोज कथा में चली जाती हो, क्या रोज रोज टीवी खोल के बैठ जाती हो, क्या रोज रोज रिमोट लेके बैठ जाती हो, हमें मैच देखने दो, हमें नाटक देखने दो, और वो रिमोट तुम्हारे हाथ से छीने और मैच चालू करे या नाटक चालू करे और तुम्हारा को क्रोध, बस अब लग रहा है कि मतलब जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसकी बुराई नहीं सुनी जाती, उसकी निंदा नहीं सुनी जाती। और अगर कोई बोल दे कि मंदिर जाके क्या करोगी, पानी चढ़ा के क्या करोगी, क्यों मंदिर जाना, क्यों बेलपत्री चढ़ाना, क्या होगा साफ करने से, गुस्सा, मेरे से फालतू बात मत कर, मैंने तुझसे कहा क्या, मैं तो जाऊंगा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, दिल लग गए, हृदय लग गए। और खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जा, मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे मारा त्रिपा बाकी दीवानी ऐसी हो गई, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, ओ खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे माने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे।